ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता कि हम उसको पढ़ना कहां से है। ठीक है, तो चलो अब इस सवाल का जवाब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से देता हूं, तो बहुत ध्यान से समझना। प्लान बनाते हैं और उसको अच्छे से नोट डाउन करना आपको, ठीक है। सो केमिस्ट्री को पढ़ना कहां से है, इस सवाल से पहले यह सवाल आता है और अपने आप को ये आपको मॉड्यूल करना है कि केमिस्ट्री में पार्ट कितने हैं। क्योंकि आप डिवाइड करके देखो, ह्यूमन माइंड, आप जब भी डिवाइड करके चीजों को याद करते हो ना, ह्यूमन माइंड आपको ज्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो पहले आप क्या करो, केमिस्ट्री को तीन पार्ट में हमें ऑलरेडी डिवाइडेड है, हमको सबको पता है। तो आप उसमें सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे मैं बोलता हूं कि जो आपका नीट का पेपर आपके सामने आएगा, आपको बायो पहले सोल्व करनी है, फिर केमिस्ट्री सोल्व करनी है, फिर लास्ट में फिजिक्स सोल्व करनी है, इसी तरह से मैं आपको बता देता हूं कि केमिस्ट्री में भी आपको सबसे पहले तीन पोर्शन में से सबसे पहले किसको सोल्व करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब आपको पढ़ना भी उसी के मुताबिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ अपने को जाना है, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री पर आ गए हम लोग, तीन पार्ट में हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले तो पढ़ना कहां से है और फिर क्या पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको पढ़ना है एनसीईआरटी, इसके अलावा कोई बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है, ओके। एनसीईआरटी को रीड आउट करो, इसके अलावा कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। अब पढ़ने का तरीका क्या होगा, मैं आप सब बच्चों को बोलता हूं, एनसीईआरटी में जितने भी आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, उनमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा वाला है इक्विलिब्रियम। ये दोनों ऐसे चैप्टर है जिसमें से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद नंबर आता है आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक 11th, पी ब्लॉक 12th, और पी ब्लॉक 12th तो अनइमेजिनेबली सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर करने वाला टॉपिक है। सो आपको जब रीड आउट करना है तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सो आपको अननेसेसरी वो टॉपिक नहीं पढ़ने हैं जिसमें से पिछले 10 सालों से सवाल ही नहीं पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब आप एनसीईआरटी रेफर कर रहे हो तो मैं सिर्फ दो बुक्स के लिए बोलता हूं, एनसीईआरटी रखो, दूसरा क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उसके लिए आप पिछले 10 साल या 15 साल के पेपर ले लो। मैं आप सबको कहूंगा कि क्योंकि अभी नीट, एम्स और जिपर मर्ज हो गया है, तो मैं आपसे कहूंगा कि पिछले 10 साल या 15 साल का एम्स का बुकलेट लेके आओ, उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो आपको सबसे ज्यादा काम देगा।